हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो आज हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो हमारे कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा चेंजेस होगा अगर यह लागू हो जाता है। ठीक है, तो यह हमारी कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा चेंज होगा अगर ये इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो जानते हैं, तो एक देश एक चुनाव कराने के लिए संविधान के इन 5 अनुच्छेदों में संशोधन करना होगा। तो कहने की मीन्स ये है कि अगर एक देश एक चुनाव को अगर हमें लागू करना है, इम्प्लीमेंट करवाना है हमारे पूरे कंट्री में, तो हमें कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे कुछ आर्टिकल्स हैं जिनमें हमें अमेंडमेंट या सुधार करना पड़ेगा। तो वह कौन कौन से आर्टिकल्स हैं? तो आर्टिकल 83 है, जो संसद के दोनों सदनों, चाहे वो फिर लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, दोनों की जो अवधि के बारे में है उनके बारे में संशोधन करना होगा। आर्टिकल 85 राष्ट्रपति द्वारा, आर्टिकल 85 में राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का विघटन किया जाएगा। जब भी ऐसा होगा कि एक देश एक चुनाव कराया जाए तो वहां पे लोकसभा का विघटन किया जाएगा। ऐसे ही आर्टिकल 172 जो है राज्य विधानसभाओं से संबंधित है, उनके जो अवधि, जो टाइम पीरियड, उनका कालखंड है उससे संबंधित है। वहीं आर्टिकल 174 जो है राज्य विधानसभाओं के विघटन से संबंधित है। जैसे लोकसभा का विघटन होगा वैसे ही स्टेट में जो विधानसभाएं हैं उनका भी विघटन किया जाएगा। आर्टिकल 356 जो है वह राज्यों में राष्ट्रपति शासन को लागू करना होगा। जब भी विधानसभा को भंग किया जाएगा तो वहां पर राष्ट्रपति शासन को लागू किया जाएगा। ठीक है, तो ये 5 आर्टिकल्स हैं जिनमें सुधार किया जाएगा, इसके बाद ही यह कानून लागू होगा। ठीक है, इसके लिए हम जानते हैं कि अगर इसको लागू करने के लिए हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंज करना पड़ेगा, कई सारे जो अमेंडमेंट किए जाएंगे, सुधार किए जाएंगे, तो इसके अगर इसको अमल में लाना है तो इसके लिए कानूनी प्रक्रिया क्या होगी। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसको लागू करने के लिए इससे जुड़े सभी जो विधेयक हैं, ठीक है, को देश के कम से कम आधे राज्यों की विधानसभा से पारित कराना होगा। ठीक है, अगर हमें एक देश एक चुनाव कराना है तो हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे चेंज करना होगा कि कम से कम आधे से अधिक राज्यों, मींस अगर हमारे 28 राज्य हैं तो 14 प्लस 1 राज्यों की विधानसभाओं से उस विधेयक को पास कराना होगा। ठीक है, विधेयक को पास कराना होगा, पारित कराना होगा, बाद में संविधान संशोधन के जरिए इसे संसद के दोनों सदनों से पारित कराना होगा। सबसे पहले कम से कम आधे आधी विधानसभाओं से पारित कराना होगा, इसके बाद कानून में संशोधन करके इनको लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराना होगा। साथ ही कम से कम आधे राज्यों की इसमें सहमति लेना पड़ेगा, सहमति के आधार पर इसे लागू करना होगा। कम से कम आधे राज्यों की सहमति जरूरी होगी इसके लिए, इसके लिए राजनीतिक दलों में सहमति बनानी पड़ेगी। जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बहुत सारे ऐसे राजनीतिक पार्टियां हैं, ठीक है, नेशनल पार्टियां हैं जिनसे, जिनकी सहमति होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब सभी की सहमत होगी तभी ये विधेयक को पास कराया जाएगा और इसके बाद ही ये एक कानून बन पाएगा। ठीक है, इससे कई राज्यों में राजनीतिक समीकरण भी बनने बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। ठीक है, तो ये भी है कि अगर इसको एक साथ एक चुनाव अगर कराया जाएगा, एक देश एक चुनाव अगर कराया जाएगा, तो इसमें बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो मानने को तैयार होंगे, जो नहीं मानने को तैयार होंगे, तो इससे कुछ जो राजनीतिक संकट है वो भी बिगड़ने की संभावना है। तो मैं बताना चाहूँगा कि इसके पहले भी 1967 तक एक देश एक चुनाव होते थे, बट इसके बाद से कई सरकारें गिरने के बाद से ये बंद कर दिया गया। तब से अलग अलग राज्यों के अलग अलग चुनाव होते हैं, चाहे वो लोकसभा का हो या विधानसभा का। ठीक है, तो यह हमारे कंट्री के लिए अच्छा है या नहीं है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसके साथ ही
यह जानते हैं कि एक देश एक चुनाव के लिए यह काफ़ी इतना आसान नहीं होगा, फिर भी अगर यह होता है तो हमारी कंट्री के लिए एक अच्छा एक बहुत बड़ा चेंज होगा, इससे बहुत सारे बदलाव आएंगे, ठीक है। बट आपकी क्या राय है इसमें आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।